ठीक सर, थैंक यू। आज यहाँ पर हम लोगों ने नगर आयुक्त को जो सभी पार्षदों की कुछ समस्याएं थी, प्रमुख समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें सर्वप्रथम ई टेंडरिंग को लेकर, जब 10 लाख के नीचे ई टेंडरिंग नहीं होनी है तो उसको क्यों इन लोगों ने ई टेंडरिंग किया, तो उसको लेके हम लोगों ने मांग किया। स्ट्रीट लाइट हम लोगों को कई पिछले सालों से नहीं मिल रही, पिछले साल से एक वर्ष हो गया है, हम लोगों को केवल 10 स्ट्रीट लाइट मिली है। समस्याएं हैं इनको, हम लोगों ने इन सारी समस्याओं को लेके ज्ञापन दिया है नगर आयुक्त को, और उन्होंने उसके ऊपर आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। नगर आयुक्त जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को लेकर नगर आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया और नगर आयुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द 2 से 3 दिन में आपकी मांगे मान ली जाएगी, और नगर आयुक्त को हम लोगों ने धन्यवाद देते हुए सभी पार्षद हम लोग वहाँ सर वापस आ गए। आप लोगों की मांगे ये हैं कि नाला सफाई के लिए ई टेंडरिंग कराया जा रहा था नगर आयुक्त के द्वारा, और जो ई टेंडरिंग होता है उससे ठेकेदार नाला सफाई नहीं करता, 50% बिल हो जाता है, 50% में काम कराता है और वो काम कराएगा पैसा बचाता है, काम नहीं कराता। हमारे जवाहरलाल नेहरू रोड पे ई टेंडरिंग हुआ था और उसमें ठेकेदार ने काम नहीं किया, जब भी उससे कहा जाता था कि काम करिए वो काम नहीं करता था। ई टेंडरिंग हो जाएगा तो काम नहीं होगा, ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते, इसीलिए हम लोग ने ज्ञापन दिया है। कुछ मांगे हैं सभासदगणों का, जो जनरल शिकायतें रहती हैं नाला सफाई, कुछ जन कार्य के बारे में, कुछ साफ सफाई व्यवस्था के बारे में कुछ इशू रहे हैं, अलग अलग वार्डों की समस्याएं हैं, उसके बारे में उनका ज्ञापन ले लिया गया है और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो जांच उपरांत कराई गई। तो सर जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। जी, इसको जल्द से जल्द हल कर दिया। पार्षदों को आपके प्रति विश्वास है, आपका नाम एक ठेकेदार का नाम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के ठेकेदार नगर निगम के, मुझे आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलूंगा नहीं उसको सार्वजनिक, आपसे बात हुई, आपको बताया आप क्या नहीं हुआ थे, पार्षद देवता जिंदाबाद। इसको फोटो खींच लीजिएगा, इसका एक ठो हमको दे दीजिएगा। ठीक सर, थैंक यू।